pratishthita. Mano me vachi pratishthitam. खोलना जरा बेस और मास्टर देना, बेस मास्टर दे। सदा शिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। जय जय रामा जानकी रामा जय जय रामा जानकी रामा
रघुकुल भूषण राजा रामा। रघुकुल भूषण राजा रामा। जय जय रामा जानकी रामा। तापस रंजन तारक नामा। तापस रंजन तारक नामा। दानव मर्दन को दंड रामा। दानव मर्दन को दंड रामा। जय जय रामा जानकी रामा। रघुकुल भूषण राजा रामा। रघुकुल भूषण राजा रामा। जय जय रामा जानकी रामा। पशुपति रंजन पावन रामा। पशुपति रंजन पावन रामा। दानव मर्दन को दंड रामा। दानव मर्दन को दंड रामा। जय जय रामा जानकी रामा। रघुकुल भूषण राजा रामा। रघुकुल भूषण राजा रामा। जय जय रामा जानकी रामा। श्री राम जय राम जय जय रामा। श्री 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 राम जय जय रामा।
श्री राम जय जय राम जय जय राम जानकी राम रघुकुल भूषण राजा राम रघुकुल भूषण राजा राम जय जय राम जानकी राम जय जय राम जानकी राम जानकी राम जय सियाराम जय जय राम एक बार पूरा सरगम दे दीजिए चंद कृपालु भज मनु हरण भव भय दारुण श्रीरामचंद कृपालु भज मनु हरण भव भय दारुण नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प वगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम कंदर पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमी जनक सुतावरम
भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वर्ष निकंदनम भजु दीन रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषण शिर मुकुट आजान भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषण जित खर श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम इति वदत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजन मेति इति वदत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजन इति वदत मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि कल दल गंजनम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम राम श्री राम कलयुग का निरूपण किया और संकेत में तुलसीदास जी ये एक सूत्र दिया कि
जैसे समष्टि में सतयुग त्रेतायुग द्वापर और कली आता है, उसी तरीके से अंतःकरण में भी, जीव के हृदय में भी ये चारों युग आते हैं। लेकिन दोनों में अंतर ये है कि समष्टि में आने वाले सत्य को, त्रेता को, द्वापर को और कली को हम रोक नहीं सकते। हम चाहें भी कि कलयुग ना आए तो भी कलयुग, और दृष्टांत ये है कि किसी ने रोकने की कोशिश भी की थी। कौन है वो? परीक्षित। परीक्षित के रोकने के बावजूद कि तुम मत आओ, लेकिन कली कहता है मेरा तो अपना एक समय है और मेरे साथ तो अन्याय है। सबसे ज्यादा सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, मेरा समय तो सबसे कम है, उसके बावजूद आप मुझे आने से रोकते हो। और आपको पता है जीत कली की हुई। तो हम चाहें हम न चाहें, सतयुग आएगा, त्रेता आएगा, द्वापर भी आएगा और कली भी आएगा। लेकिन ये हो सकता है कि मैं अपने मन में कली को आने का स्थान न दूं। लो जी, मैं फिर से बोल रहा हूं, हो सकता है कि बाहर कली हो लेकिन मेरे मन में सतयुग विराजमान हो। क्योंकि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली का जो संबंध बताया गया वो बताया गया त्रिगुणों से। जब शुद्ध सत्व गुण है तो बोले सतयुग है, लेकिन उसमें सत्व में थोड़ा रजोगुण मिल गया तो बोले क्या आ गया? त्रेता आ गया। बोले रजोगुण थोड़ा ज्यादा हो गया लेकिन सत्व भी है और तम भी है, बोले अब क्या आ गया? द्वापर आ गया। बोले सत्व तो चला गया, तमो गुण तो बहुत है, रजोगुण थोड़ा है, बोले कौन आ गया? कलि। इसका मतलब तीन गुण ही हमारे अंदर सत्व को, रज को और तम को हाँ ला सकते हैं। मैं स्वतंत्र हूं, मुझे किसी की आज्ञा की जरूरत नहीं है कि मैं अंदर किस युग की स्थापना करूं। हर जीव स्वतंत्र है। लेकिन इसमें विचार करते ही मन में एक प्रश्न आता है, मुझे सतयुग की स्थापना करनी है तो मैं क्या करूं? वहां मैं कुछ नहीं कर सकता, ध्यान रखना। समष्टि सतयुग को लाने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, हेल्पलेस हूं। यहां पर मैं चित्त में सतयुग को ला सकता हूं। कैसे लाऊं? बोलो भाई, सतयुग को कैसे लाऊं? हाँ, ध्यान करने से। ध्यान तो आपको पता है राक्षस लोग भी बहुत तगड़ा जम के किया है, तपस्या की है उन्होंने। आखिर मैं चित्त में सतयुग की स्थापना कैसे करूं? बोले सत्गुण बढ़ जाए, कारण देखना आप, सत्गुण बढ़ जाए तो फिर चित्त में बोलो जी सतयुग आ गया। नाउ सेकंड टास्क, सत्गुण कहां से लाऊं? ओ एनी विटामिन जिसको खाने से सत्गुण है, सब कुछ। सत्गुण कहां से लाऊं?
घास फूस पत्ती फल फ्रूट खाकर उल्टा व्यक्ति और चिड़चिड़ा हो जाता है। एकादशी करने वाले देख लो। हाँ, ज्यादा उपवास करने वाला व्यक्ति, मैंने जितना पाया, ज्यादा पूजा करने वाला व्यक्ति और चिड़चिड़ा है। बोले सत्य तो नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि अच्छा खाना खाया जाए तो सत्य गुण, लेकिन उससे बात बनती नहीं है। तो फिर सत्य गुण को कहां से पैदा किया जाए? मैं ऐसा नहीं कह सकता कि सत्संग से पैदा हो जाएगा, क्योंकि अभी पैदा हुआ, थोड़ी देर बाद। वॉक करते करते, सही बात तो ये है कि नाम जब भी 24 घंटे है, सच्चाई तो यही है। क्या करूं सत्व गुण की, कौन सी फैक्ट्री है पता नहीं। हमारे मध्य प्रदेश में एक दुकान है, उसमें एक मिठाई की दुकान में लिखा होता है, क्या लिखा होता है, आहार शुद्धो, हाँ सत्व शुद्धि। देखो ध्यान से, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। यदि सत्व की शुद्धि करनी है तो आहार में शुद्धता लानी पड़ेगी। अच्छा जी, आहार मतलब, बोले खाना। हमने आपने आहार का यही एक अर्थ लिया कि अच्छा खाना खाया जाए, सात्विक भोजन किया जाए, जबकि ये आहार का पूर्ण अर्थ नहीं है। आहार का अर्थ होता है आहार्यन्ते, जो चीजें अंदर से बाहर की ओर, फिर से बोलो, दो चीजें हैं अंदर और बाहर, जो चीजें बाहर से अंदर की ओर जाती हैं वो क्या है, बोलो जी, आहार। उल्टा भी है, जो चीजें अंदर से बाहर की ओर जाती हैं वो क्या है, हुआ ना, आहार विहार, हाँ व्यवहार। फिर से सूत्र को पकड़ना, जो चीजें बाहर से अंदर की ओर जाती हैं, मतलब क्या, मैं अच्छे दृश्य को देखता हूं तो वो दृश्य कहां गया, देखो जी, आहार बना कि नहीं। मैंने अच्छे शब्द सुने वो कहां गया, अंदर गया। मैंने अच्छी गंध ली, कहां गया, अंदर गया। ये बाहर से जितना हम देख रहे हैं ये सब का सब कहां जा रहा है, अंदर। इसलिए भद्रम करणे भी शुड़याम देवाः, प्रार्थना इसीलिए की गई वो, हे भगवान मैं भद्र शब्दों को सुनूं। भद्रम करणे भी शुड़याम देवाः, भद्रम पश्ये माक्षभिर् यजात्राः, मैं भद्र दृश्यों को देखूं जो कि मेरे अंदर जाएं। मुझे लगता है गांधी जी के 3 बंदर, हाँ, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत। मैं दिन भर में क्या चीजें अंदर ले जाता हूं वो अंदर ले जाने वाली चीज ही सत्व का निर्धारण करती है। मैंने झगड़ा देखा तो मेरे अंदर रजोगुण बढ़ेगा। मैंने ईश्वर की तस्वीर देखी, मैंने अच्छे उच्चारण सुने, मैंने अच्छे मंत्र सुने तो मेरे अंदर सत्व का माहौल बनेगा ही बनेगा। सत्व की स्थापना के लिए जरूरी है कि मैं अपने आहार पर थोड़ा अनुशासन रखूं। यदि आहार शुद्ध है तो सत्व भी शुद्ध होता है, और सत्व शुद्ध होता है तो फिर, हाँ, तो फिर युगों की स्थापना भी होती है।
तीन ब्लॉक बन गए। आहार शुद्ध है तो सत्व भी शुद्ध हो गया, सत्व शुद्ध हो गया तो फिर सतयुग की स्थापना हो गई। अब जिसको जो चीज जिस युग की स्थापना करनी है वो काम चालू कर दे, रजोगुण बोले द्वापर आ जाएगा, त्रेता आ जाएगा, तमोगुण बोले कलयुग आ जाएगा। तो साधक के लिए तो एक सूत्र ये है कि मैं अपने आहार व्यवस्था को सुधारूं, और सही बात तो ये है कि मैं अच्छी चीजों को अपने सिस्टम में इंट्रोड्यूस करूं। साधना तो ये है, मैं सुंदर चीजों को अच्छी चीजों को अपने सिस्टम में इंट्रोड्यूस करूं, जैसा इनपुट होगा वैसा ही आउटपुट भी होगा, तो कैसे नहीं स्थापना हो सकती। समष्टि के सतयुग को हम रोक नहीं सकते, लेकिन व्यष्टि के सतयुग की स्थापना हम कर सकते हैं। बाहर भले कैसा भी कुछ क्यों ना हो, उदाहरण मई का महीना, जून का महीना हो, गर्म क्षेत्र प्रदेश हो, कोई तप रहा हो 44 डिग्री 48 डिग्री, लेकिन एक व्यक्ति है जिसको ठंडक लगती है कमरे में और पैर पर रजाई डाला है, क्यों? हाँ जी, क्योंकि उसने एसी ऑन करके रखा है। ठीक है, बाहर कैसा वातावरण है? गर्म है, तप रहा है, जल रहा है, अंदर रजाई ओढ़ने की जरूरत हो सकता है कि नहीं? हो सकता है बाहर कलयुग हो, लेकिन यह भी संभावना है कि अंदर सतयुग भी हो सकता है। जरूरत है उस हीट को कन्वर्ट करने की, इसीलिए एक कन्वर्टर है, इन्वर्टर है। यहां भी यदि कोई इन्वर्टर है, कोई कन्वर्टर है, तो आप निश्चित जानिए कि अंदर सतयुग की, त्रेता की, द्वापर की स्थापना करने से कोई नहीं रोक सकता। भले बाहर कई बार व्यक्ति साधना के नाम पर ये बहाना बनाता है कि समय क्या चल रहा है, कलयुग है। अरे कलयुग बाहर है, अंदर यदि कलयुग वास्तव में ऐसा है तो अब कोई ज्ञानी और विज्ञानी नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी भी कलयुग में बहुत ज्ञानी और विज्ञानी लोग पड़े हैं। तो कलयुग के नाम पर कोई छूट नहीं ले सकता। ये जरूरी है कि मैं अपने गुणों में परिवर्तन करने की कोशिश करूं। बनाना शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, जहां विवेक राग द्वेष से रहित है। ये एक लाइन है सूत्र, राग द्वेष से रहित चित्त के अंदर ही विज्ञान उत्पन्न होता है। जिसके चित्त में विज्ञान है उसके चित्त में प्रसन्नता भी निवास करती है। ये सतयुग का लक्षण। यदि मैं भी खिलखिला के हंस सकता हूं तो हम समझना आप किस युग में हैं, सतयुग में। यदि मैं प्रसन्न रह सकता हूं तो आप समझना कि मैं सतयुग में हूं, लेकिन मैं द्वंद्वों में फंसा हुआ हूं तो हम समझना कि मैं फिर त्रेता द्वापर में फंसा हुआ। अच्छा जी, आगे चलता हूं। फिर क्या बोलते हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, जरा उनके लिए क्या बोला। ये दोहा नंबर 104 के ऊपर की लाइन है, बुध जुग धर्म जानी मन माही, तजी अधर्म रति धर्म कराही, का
कुशल धर्म नहीं व्यापहिताही। रघुपति चरण प्रीति अति जाही। बोले बुद्ध युग जो बुद्धिमान लोग हैं वो चाहें तो परिवर्तन कर सकते हैं। बुद्धि युग धर्म जानी मन माही, उनको इन सूत्रों का पता है कि किस युग की स्थापना किससे हो सकती है, ये सूत्र उनके मन में है। इसलिए वो एक काम करते हैं, तजी अधर्म रति धर्म कराही। ये सूत्र है, अधर्म का त्याग कर देते हैं और धर्म में उनकी रति उत्पन्न हो जाती है। ये कली का सूत्र है, जितना संभव हो सके मुझे अधर्म का त्याग करना चाहिए। यह सिर्फ एक सूत्र, क्योंकि सभी समस्याओं की जो जड़ है वो व्यक्ति का अधर्म ही है। तो जो बुद्धिमान लोग हैं वो तो अधर्म को छोड़ देते हैं और धर्म में क्या करते हैं, रति करते हैं। और ऐसे व्यक्ति को काल धर्म नहीं व्यापहिताही। रघुपति चरण प्रीति अति जाही। जिसकी प्रीति भगवान के चरणों में हो गई उसको काल भी परेशान नहीं कर सकता। फिर से, जिसकी प्रीति भगवान के चरणों में एक बार हो गई काल चाहे तो भी उसको परेशान नहीं कर सकता। इसका कोई दृष्टांत? विभीषण। एक संत लोग बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं। एक मछुआरा है और वो तालाब में गया मछली पकड़ने, और उसने जाल को लिया और जाल को तालाब में खड़े होकर क्या कर दिया, फेंक दिया, और यहां से उतने दूर तक फेंका तो जितनी मछलियां थीं वो सब जाल में क्या हो गई। लेकिन हमको पता है कुछ मछलियां नहीं फंसी। कौन सी? जहां वो खड़ा था जो मछली वहां पे थी वो नहीं फंसी। जो मछली मछुआरे के आसपास थी वो नहीं फंसी, जो मछली मछुआरे से बहुत दूर थी वो उसके जाल में फंस गई। तुलसीदास जी भी यही कहते हैं, रघुपति चरण प्रीति अति जाही। काल धर्म नहीं व्यापहिताही। काल उसको टच भी नहीं कर सकता, संस्पर्श भी नहीं कर सकता, लेकिन शर्त एक है, उसकी प्रीति उसकी रति ईश्वर के चरणों में होनी चाहिए। विभीषण जैसा व्यक्ति इतने ऐसे वातावरण में पे रहकर भगवान का नाम ले सकता है, हम और आप क्यों नहीं। और तुलसीदास जी कहते हैं, मैं तुमको इसका दृष्टांत देता हूं। कैसे? नटक्रत विकट कपट खगराया, नट सेव कहीं ना व्यापहि माया। बहुत ही सुंदर दृष्टांत। बोले एक नट को क्या बोले, वो जो मदारी जो खेल दिखाता है, बाजीगर, सभी लोग उसके चक्कर में पड़ जाते हैं।
लेकिन उसका एक चेला होता है, चेला क्या बोले उसको, तो जमूरा बोल जमूरा। दुनिया उस बाजीगर के चक्कर में फंस गई, लेकिन वो जमूरा वो क्यों नहीं फंसा, क्योंकि वो कहां रहता है, नट से व कहीं ना व्याप ही माया, उसको माया नहीं घेर सकती जो उस नट के आसपास रहता है, वो मछली पकड़ में नहीं आ सकती जो मछुआरे के पास में है। उसी तरह से हम और आप को माया नहीं पकड़ सकती यदि मैं मायापति के साथ रहूं। फिर से बोला, यदि मैं काशीराम के साथ में हूं तो माया मुझे पकड़ नहीं सकती। लेकिन बात तो यह है कि मुझको प्यारी कौन है, बोलो जी, माया की मायापति नहीं। कई बार इसको नाटकीय दृष्टांत में आप देखिए, कॉरपोरेट जगत में बड़ा अच्छा कोई ऑफिसर होता है तो उसके बाहर एक बैठा होता है, कौन, उसकी सेक्रेटरी। और आपको पता है, कोई खूबसूरत ना दिखे और लटके झटके उसके ऐसे ना दिखे तो उसको सेक्रेटरी बनाया भी, मैं उसको पढ़ाई से नहीं जोड़ता। और आधे से ज्यादा व्यक्ति किससे फंस गया, मिलने आया था अंदर वाले से, मुलाकात किससे हुई और वहीं से काम हो गया तो वो अंदर जा। और आप ये सोचो कि वो नहीं बैठा लेगा तो बैठा लेगा जरूर। जो असली साधक है, जो असली मिलने वाला है, वो उस माया को भी छोड़कर मम माया दूरतया, मेरी माया को पार करना बहुत, तो हटा क्यों नहीं लेते, नहीं, बोले हटाऊंगा नहीं। परीक्षा तो इसी में है कि माया से मुलाकात होगी लेकिन तुम्हारी निगाह मायापति पर होनी चाहिए। हम और आप आधे से ज्यादा माया के चक्कर में। तो दृष्टांत दो दिए तुलसीदास जी ने, एक तो ये, दूसरा आपको संतों का एक दृष्टांत दिया मछुआरे का, उसको बोले काल भी प्रभावित नहीं कर सकता। अच्छा जी, हरि माया कृत दोष गुण बिन हरहि भजन न जाए। देखो, बिना ईश्वर भजन के ये जाने वाले तो नहीं है, एकदम नहीं। बिनु हरि भजन न जाए, जब तक सत्संग नहीं होता तब तक ये ज्ञान समझ में नहीं आता है। और ये अपना प्रभाव हम पर दिखाते हैं, भजिय राम तज काम अस, काम सब अस विचार मन माही। और यहां से कथा एक दूसरे क्रम में प्रवेश करती है। कहा गुशुंडी जी बताते, मैं रहता तो अयोध्या में था, धनमद मत परम बाचाला, ये सब मेरे लक्षण थे, लेकिन क्या करूं, अकाल पड़ गया। कहां पर, अयोध्या में। अकाल पड़ने के कारण मुझे विदेश जाना पड़ा। और उस समय का विदेश क्या बोला गया पता है, उज्जैन। देखिए दोहा नंबर 104, परे हूं दुकाल विपत्ति बस, तब मैं गया हूं विदेश। जब मेरे शहर में अकाल पड़ गया, जीविका उपार्जन के लिए भी कुछ नहीं रह गया, तब मैं विदेश गया। और वो विदेश कहाँ, बोले मैं उज्जैन की ओर गया। आइए इसका पाठ कर लें, फिर आगे चौपाई देखते हैं। गया हूँ जेनी सुन उरगारी, दीन मलीन दरिद्र दुखारी, गए काल कछु संपत्ति पाई,
ताह पुनि कराऊं शंभु सेवकाई। विप्रेक वैदिक शिव पूजा करई सदा तेहि काजुन दूजा। परम साधु परमारथ बिंदक शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। तेहि सेवौं मैं कपट समेता द्विज दयालवति नीति निकेता। बाहि जनम्र देखि मोहि साई विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई। शंभु मंत्र मोहि द्विज बर दीना शुभ उपदेश विविध विधि कीना। जपऊ मंत्र शिव मंदिर जाई हृदय दम्ब अहमिति अधिकाई। मैं खल मल संकुल मति मैं खल नीच जाति बस मोह। हरि जन द्विज देखे जरं करऊं विष्णु कर द्रोह विष्णु कर द्रोह। सियावर राम चंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उमापति महादेव की। गय हूँ उज्जैनी सुन उर्गारी दीन मलीन दरिद्र दुखारी। बोले धन तो मेरे पास कुछ रह नहीं गया था, मलिन हो गया था और जाकर उज्जैन में मैं जाकर बस गया। थोड़ी बहुत कुछ संपत्ति आई लेकिन गरुण महाराज मैंने एक काम नहीं छोड़ा। बोले क्या? तहां पुनि कराऊं शंभु सेवकाई। मैंने वहां भी शंभु की सेवा की। देखो पहले भी क्या बोला था, शंभु सेवक, वहां भी शंभु का सेवक था, यहां भी मैंने शिव की सेवा नहीं छोड़ी। ये सेवा नहीं छोड़ी मतलब क्या? क्योंकि कोई शिव जी हाथ पैर वाले तो नहीं थे, उनके सामने बैठकर उनके हाथ पैर दबाए हो।
बोले मैंने शिव की उपासना को नहीं छोड़ा। उपासना मतलब उपासना का अर्थ है ऐसी क्रिया, ऐसी चेष्टा, ऐसा भाव, ऐसा आचरण, ऐसा व्यवहार जिससे मुझे ईश्वर की याद आने लगे, वो सब की सब चीजें क्या हैं? उपासना। फिर से बोल रहा हूं, मैं अगरबत्ती दिखाऊं लेकिन दिखाते हुए मुझे ईश्वर की याद ना आए तो आप क्या बोलोगे? कहने के लिए तो उपासना है लेकिन वास्तव में उपासना नहीं है। मैं कहने के लिए चंदन भी लगाऊं और बोलता हूं, कहने के लिए मैं जप भी करूं, देखो जी मैं जप करता हूं लेकिन जप करने के बाद भी मेरा मन उस जप जिसके लिए कर रहा हूं उसकी याद ना आए तो आप समझना वास्तव में तो वो उपासना नहीं है। सही बात तो यह है। बोले आपने क्या किया? बोले मैं वहां प्रतिदिन शिव की षोडशोपचार पूजा, देखो प्रतिदिन उनके स्तोत्र का पाठ, प्रतिदिन अभिषेक। बोले मैं शिव की सेवा करना कभी मैंने नहीं छोड़ा और इस सेवा में जो सबसे पहली साधना है उपासना में, उस साधना को बोलते हैं पूजा। उपासना में जो सबसे पहली साधना बनती है उसको बोलते हैं पूजा। और आपको यदि थोड़ा वेदांत के ग्रंथ में परिचय हो तो रमण महर्षि ने इसका संकेत भी दिया, काय वांग मनहा कार्यम उत्तमम। फिर से, काय काय मतलब शरीर, वांग मतलब वाणी, बोले मन, शरीर वाणी और मन, बोले इसका सबसे बढ़िया काम क्या है? बोले पूजनम जपस चिंतनम, हाँ जी क्रमात्। मुझे लगता है ना पूजा महत्वपूर्ण है, ना जप महत्वपूर्ण है, ना तो चिंतन, उसका जो आखिरी शब्द है वो क्या है? क्रमात्। साधना का एक तरीका है कि आप सीधे सीधे जप नहीं कर सकते, देखो जी सीधे सीधे चिंतन भी नहीं कर सकते, इसलिए साफ और स्पष्ट शब्दों में बोला गया पूजनम जप। पूजा करने वाला साधक जप की भूमि में प्रवेश कर जाता है, जप वाला साधक चिंतन की भूमि में प्रवेश कर जाता है, करना नहीं पड़ता। फिर से बोलता हूं, पूजा करने वाला साधक जप में स्वयं प्रवेश कर जाता है। पूजा मतलब क्या? दीपम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि। बोले ये है लेकिन अभी भी नहीं है। बोले मतलब भाव और क्रिया के संयोग से, दो चीजें हैं इसमें एक भी मिसिंग नहीं होनी चाहिए, भाव और क्रिया का संयोग जब ईश्वर के सामने अभिव्यक्त होता है तो उसको क्या कहलाते हैं? पूजा। मेरे अंदर भाव बहुत है लेकिन मैंने क्रिया, तो आपको पता है उसको पूजा तो नहीं कहा जा सकता। होगी कोई उपासना लेकिन पूजा तो नहीं है। जरूरी है कि भाव के साथ क्रिया का संयोग भी हो। ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर हम और आप स्पेशलिस्ट हैं वो किस में है? क्रिया में, भाव में नहीं। आपने एक उदाहरण सुना होगा कि जब हम अपने चंदन लगाते हैं
तो कैसे लगाते हैं? नाप के, तौल के, कहीं कुछ तो भी नहीं जाए। हम और आप जब ईश्वर के चंदन लगाते हैं तो वो ठोका कि गया कहां? आंख के अंदर। लो जी, आप क्या बोलोगे? भाव है। अच्छा, कैसे माना जाए कि आपका इस ईश्वर के प्रति भाव है? क्योंकि वो चंदन कहीं नाक में गया, कहीं वो चंदन कान में गया, लेकिन जो समझदार सतर्क साधक है वो उतना लगाता है कि कहीं ईश्वर के नाक और कान में न लगे। ये क्या है? भाव। इस भाव के साथ क्रिया भी करता है। लो जी, बोले उसको बोलते हैं पूजा। उपासना के लिए सबसे बड़ी और पहली साधना है पूजा। जिस साधक ने पूजा को किया उसका चित्त धीरे धीरे सूक्ष्म होने लगता है। निशानी ये, आप देखना जो पूजा करने वाले साधक हैं, करते 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 एक स्थिति ऐसी आती है कि मन करता है कि अब ये क्रियाओं को क्या किया जाए। बोलो जी, बंद गया। तो क्या करना चाहते हो? बोले नाम लेना चाहता हूं। अच्छा, हो गया ना। कहां से कहां आ गए? पूजा से जप में। और हमसे निवेदन करूं, जप वाला साधक भी कई बार वो जो माला है वो भारी पड़ने लगती है इस उंगली पर। नाम बोलना भी कभी कभी पहाड़ जैसा लगता है। तो मन क्या होता है? ये नाम भी ना बोला। देखो जी, किस में प्रवेश कर रहा है? ये चिंतन में, ध्यान में। प्रारंभिक बिंदु क्या है? बोले पूजा। देखो, पूजा करने वाला साधक ही जप में प्रवेश करता है, जप वाला साधक ही चिंतन में प्रवेश करता है। का गुशुंडी जी कहते हैं, मैंने पूजा करना नहीं छोड़ी। देखो जी, एक साधक के लिए एक उपदेश है एक्चुअली में। कई बार मेरे पास एक गुण है और दुर्गुण अनेक हैं। सच्चाई ये है। और निराश होकर व्यक्ति उस गुण को भी क्या कर देता है? छोड़ देता है। यहां क्या करते हैं? नहीं जी, है बोले दुर्गुण वो ठीक है, लेकिन मैं अपनी उपासना को छोड़ने वाला नहीं हूं। बना गया हूं उज्जैनी, सुन उरगारी, दीन मलीन दरिद्र दुखारी, गए काल कछु संपत्ति पाई, तह पुनि करहुं शंभु शिव काई। वहां पर मैं नित्य प्रतिदिन भगवान शिव की अर्चना करता हूं। और आप देखना, इस अर्चना को भगवान कृष्ण ने भी किया। बोलते हैं द्वापर में भगवान कृष्ण प्रतिदिन शिव भगवान के 1000 नाम लेते थे। भगवान कृष्ण लेते थे। तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो उपासना करता है साधक, उसका चित्त सूक्ष्म होता चला जाता है और सूक्ष्म चित्त फिर ज्ञान के योग्य बनता है। और इसी पूजा का ध्यान रखना, दुर्गुण अभी लगे हुए हैं। कौन से? उग्र बुद्धि, उर्दंभ विशाला, ये सब लगा है। परम वाचाला, धन मद मत, परम वाचाला, ये सब है। लेकिन पूजा करने का एक अद्भुत फल इनके जीवन में प्रकट हो गया। देखो, जिसने इनके जीवन को मोड़ दिया वो क्या फल है? विप्रेक वैदिक शिव पूजा करही सदा तेहि काजू न दूजा, परम साधु परमारथ बिंदक शंभुपाशक नहीं हरि निंदक। पूजा का फल ये हुआ
कि इनके जीवन में एक गुरु का आगमन हो गया। लो जी, सोचो आप, कभी कभी लगता है काक भुसुंडी से बेटर तो बोलो जी हम ही और आप हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे जीवन में ये स्थिति नहीं आई है। कहीं खोजने नहीं गए, स्वयं इनको उज्जैन में एक गुरु की प्राप्ति हो गई। और गुरु भी कैसे हैं, विप्र एक वैदिक शिव पूजा। पहली बात विप्र है, संस्कारा द्विज उच्यते, संस्कार ऐसे हैं जिससे वो ब्राह्मण हैं, द्विज हैं, लेकिन उसके साथ वो वैदिक हैं। देखो जी, वैदिक है मतलब उनको परंपरा का ज्ञान है, वेद में जो वैदिक ज्ञान है, पंथ का ज्ञान नहीं है। कल आपने सुना ना, कलयुग में पंथ हो गए, पंथ का ज्ञान नहीं है उनको। वेद द्वारा निष्पादित प्रतिपादित जो ज्ञान है वो ज्ञान भी उनको है, वो वैदिक हैं। और उसके साथ साथ शिव पूजा, देखो गुरु भी कैसे मिल गए इनको, गुरु भी इनके ऐसे हैं जो शिव की पूजा करने वाले हैं। देखो जी, और उनकी पूजा ऐसी है, करई सदा, इतनी पूजा करते हैं, करई सदा तेहि काजू न दूजा। पूजा के अलावा उनके पास कोई और कार्य है ही नहीं। लो, इस साधक के जीवन में जरा देखना, इतने दुर्गुणों से भरा हुआ, सिर्फ एक गुण है वो है शिव पूजा का। और ऐसे साधक को एक गुरु मिलते हैं, और वो गुरु भी कैसे हैं, वैदिक विप्र। और यही नहीं, वो खुद भी क्या करते हैं, पूजा करते हैं, और इतनी पूजा करते हैं कि उनके पास कोई समय शेष नहीं है। अब जो राजसिक व्यक्ति है ना, वो इसको क्या समझता है, बोले ये कैसा है, बोलो जी निकम्मा काहिल, इसके पास समय नहीं है, मतलब करता क्या है बैठे बैठे। ऐसे कमेंट्स भी होते हैं आपको याद रखना, और होते होंगे नहीं हम लोगों पर, तो होते ही हैं। जो थोड़ा युवा हैं, थोड़े साधु बन गए, तो आप देखना उन पर। चलिए मैं आपको 5 मिनट के लिए बताता हूं क्या कमेंट्स करते हैं, बता दूं, नहीं बता देता। पहली बात, उनको ये लगता नहीं है कि साधु जाति पढ़ी लिखी हो सकती है, उनको यही लगता है कि मूड मुड़ाए भय। तो यदि आप एसी कंपार्टमेंट में चढ़ रहे हैं तो आपको रोकता है, ए हाँ महाराज आपका डिब्बा वो पीछे वाला है। अच्छा क्यों भाई, नहीं टिकट तो है, तो उसको लगता है किसी ने दे दिया होगा। बैठ, और आपसे बताऊं, उसके बाद जब आप बैठिए तो आपका सामने वाला क्या करता है पता है, आपको घूर के देखता है और तुरंत चैन निकालता है और अपने सामान को पहला, हो सकता है वो बांध में बांधने वाला, यस, और वो उसी समय बांधता है अपने सामान को। अब जब वो ये देखता है कि इसके पास भी मोबाइल है, ठीक ठाक है, थोड़ा रिलैक्स होता है। नाउ अप कमेंट, फिर से वो व्यक्तिगत प्रश्न पूछता है, आप साधु क्यों बने, इतनी युवा उम्र में साधु बनने का कारण क्या। तो सुनो, नहीं जी, वो आप पहले ही ऑप्शन फेंकता है, पढ़ने में थोड़ा कमजोर वमजोर रहे होंगे तो ऐसा तो नहीं है, माता पिता बेचारे गरीब रहे होंगे, अभी जिंदा हैं, खिला पिला सकते हैं। तो एंड थर्ड एंड ऑप्शन इज वेरी टेरेबल ऑप्शन, आप कहीं प्यार के चक्कर में फेल वेल हो गए, इसलिए मेरे से हुआ ही, मैं इसलिए बता रहा हूं।
दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया, इसलिए यही ऑप्शन हो सकते हैं बस। उस व्यक्ति को यह नहीं समझ में आता कि किसी अन्य कारण से भी तो हो सकता है। अगर वो देखता है कि व्यक्ति खाली बैठा है तो उसको लगता है ये निकम्मा है, ये काहिल है। और मैं आपको अब अध्यात्म की दृष्टि दिखाता हूं। जिसके पास ऐसा समय नहीं बचता है, शास्त्र बोलता है वो व्यक्ति निवृत्ति तक पहुंच गया। देखो जी, निवृत्ति मतलब अकर्मण्यता नहीं। मैं फिर से मोड़ रहा हूं इसको, तो इसको अध्यात्म की दृष्टि से देखिए। अध्यात्म का चरम यही है कि व्यक्ति निवृत्ति प्रधान हो जाता है। हमारा जो सनातन धर्म है, ये जो अध्यात्म का जो सूत्र है, इसमें दो ही इसके गर्भ हैं, एक तो निवृत्ति, दूसरा परहित। बस अध्यात्म जीवन में आ गया, इसकी पहचान ये हो जाती है कि व्यक्ति निवृत्ति परायण हो जाता है। निवृत्ति मतलब ये नहीं कि अकर्मी है, निवृत्ति मतलब ये है कि इसके जीवन में कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा। ध्यान से समझिएगा, ये स्थिति आती कैसे है? निवृत्ति आती कब है चित्त में? पहली बात, निवृत्ति उसी को आएगी जिसने पहले प्रवृत्ति, बोलो जी, की हो। जिसने प्रवृत्ति की नहीं वो निवृत्ति तक पहुंच नहीं सकता। और सबसे सरल और अच्छा सूत्र, मैं सूत्र में बोल रहा हूं ये चीजें, जिस साधक के जीवन में धर्म का आचरण, धर्म का पालन होता है, वो साधक निवृत्ति तक कभी ना कभी जरूर पहुंचता है। फिर से बोल रहा हूं, जिस साधक ने धर्माचरण किया है, धर्माचरण मतलब आप एक सूत्र देखो, जो सत्य बोलता है वो बाद में किस में पहुंचा? मैंने आपसे जो सत्य था वो बात कह दी, तो अब निवृत्ति हो गई कि नहीं हो गई? इसी जगह मैंने अधर्म का आचरण किया, मतलब मैंने झूठ बोला, अब क्या होगा? बोलो जी, फिर आप स्टे ऑर्डर लो कस के, नहीं है? फिर उसके लिए क्लेरिफिकेशन है, जस्टिफिकेशन है, वो बात बढ़ती जाती है। क्यों? व्यक्ति प्रवृत्ति में फंसता चला गया क्योंकि उसने धर्म का पालन नहीं किया। मैं यदि आपसे मीठे से बात करूं तो आपको पता है वो व्यवहार मैं भी भूल गया और वो व्यवहार आप भी भूल गए, लेकिन मैंने आपको कटु शब्द बोल दिया, दूसरा व्यक्ति भी आपको क्या बोलेगा? चित्त गड़बड़ हो गया कि नहीं हो गया? निवृत्ति आई कि प्रवृत्ति? हो सकता है कटु शब्द सुनने के बाद मैं शारीरिक क्रिया भी कुछ करने, देखो जी, निवृत्ति आनी थी, जीवन में क्या आ गई? प्रवृत्ति। क्यों? क्योंकि मैंने धर्म का आचरण का पालन नहीं किया। फिर से बोल रहा हूं, धर्म का, और सरल शब्दों में बोलूं, धर्म शब्द यदि बड़ा लगता है तो और सरल, नैतिक मूल्यों का पालन करने से ये शब्द चलता है। नैतिक मूल्यों का पालन करने से व्यक्ति निवृत्ति की ओर जाता है, और निवृत्ति पर पहुंचना ही सत्संग की निशानी है। सूत्र कहां से मिला? सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निरमोहत्वम, निरमोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवनमुक्ति, निश्चलतत्वे जीवनमुक्ति। कहाँ से स्टार्ट किया?
सत्संग का फल ये हुआ कि वो निसंग हो गया। प्रवृत्ति का उद्देश्य यही है कि मैं निवृत्ति प्राप्त कर लूं। यदि जीवन में निवृत्ति नहीं आ रही है तो आप चेक करना, आपकी प्रवृत्ति ठीक ढंग से हाँ जी नहीं हो रही। उदाहरण, यदि ठीक गृहस्थ है तो वो गृहस्थ निवृत्ति तक हाँ जी जरूर पहुंचेगा। मैं नहीं मानता कि गृहस्थ आश्रम प्रवृत्ति का आश्रम है। 20 जगह मेरी कामनाएं लगी हुई हैं, गृहस्थ आश्रम उन कामनाओं को एक जगह पूर्ति के लिए आपको क्या देता है, स्पेस देता है। 20 कामनाएं थी, 20 वासनाएं थी, बोले एक जगह तुम उसकी क्या करो, पूर्ति करो। देखो 20 से किस पे आ गए, और एक की पूर्ति कर ली तो व्यक्ति वहां से धीरे धीरे बोलो जी निवृत्त होता जाता है। गृहस्थाश्रम भी निवृत्ति प्रधान बन सकता है, बशर्ते गृहस्थ का पालन ठीक ढंग से किया जाए। और संक्षेप में बोलता हूं, जिसके जीवन में प्राप्तव्य शेष नहीं है, सूत्र में इसको बांध के मैं बोल रहा हूं, उसके जीवन में कर्तव्य भी शेष नहीं है, जिसके जीवन में कर्तव्य शेष नहीं है वो व्यक्ति निवृत्ति तक पहुंच गया। फिर से सूत्र बोल रहा हूं, जिसके जीवन में प्राप्तव्य शेष नहीं है, प्राप्तव्य शेष नहीं मतलब अब उसको कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, उस व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य भी शेष। जब प्राप्तव्य नहीं है तो कर्तव्य क्यों, ध्यान रखना, कर्म तो करना ही पड़ेगा, चाहे प्राप्तव्य हो और चाहे प्राप्तव्य। भगवान को भी यहां पे आके कर्म करना पड़ा, हालांकि उनके जीवन का कोई प्राप्तव्य शेष बोलो जी नहीं था। क्या रह गया, इस ध्यान से सुनिएगा इस सूत्र को, यदि जीवन में प्राप्तव्य शेष है तो कर्तव्य भी होना चाहिए, वो कर्तव्य पूरा करके प्राप्तव्य खत्म हो गया तो फिर कर्तव्य भी खत्म हो गया, कर्तव्य खत्म हो गया तो व्यक्ति के जीवन में क्या आ गई, निवृत्ति। कक्षा 5 मैंने पास कर ली, हाई स्कूल मैंने पास कर लिया, अब मेरे पास पढ़ने का कर्तव्य रह गया, क्यों नहीं, क्योंकि मैंने कक्षा 10 पास, तो मुझे निवृत्ति मिल गई कक्षा 10 से, क्योंकि अब जीवन में प्राप्तव्य शेष नहीं बचा। इसलिए ईमानदारी से यदि जीवन में प्राप्तव्य है तो मुझे कर्तव्य का पालन करना चाहिए। देखा देखी नहीं, सन्यासी की देखा देखी नहीं, जीवन मुक्ति की देखा देखी नहीं, क्योंकि उसके जीवन में कोई प्राप्तव्य शेष नहीं है, इसलिए वो कर्तव्य का पालन नहीं करता। लेकिन हमारे आपके जीवन में अभी प्राप्तव्य शेष है तो कर्तव्य भी शेष है। देखो जी, और कर्तव्य यदि शेष है तो फिर काम तो करना पड़ेगा ही, और एक बार कर्तव्य खत्म हो गया तो उसी को बोलते हैं निवृत्ति। एक बार किसी और संत से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने इसमें एक शब्द और जोड़ दिया, बोले प्रवृत्ति, प्रवृत्ति से निवृत्ति, निवृत्ति से निर्वृत्ति। ध्यान, क्या सूत्र दिया, प्रवृत्ति, प्रवृत्ति से निवृत्ति, निवृत्ति से निर्वृत्ति। अब मेरी वृत्ति का ही उदय ज्यादा नहीं होता। वाह, कहां से हुआ, बोले प्रवृत्ति से। तो
यदि, और इसमें जो लूप होल्स हैं वो ये हैं, हम और आप अपने कर्तव्य को समझते नहीं हैं। बोले क्यों नहीं समझते? बात तो ये है कि मैं क्या बन के बैठा हूं। ध्यान से, यदि मैं पिता बन के बैठा हूं तो मेरा कर्तव्य क्या है? पिता, ना कि जप। ध्यान से, यदि मैं अभी पति बना हूं तो मेरा कर्तव्य क्या है? पति। और मैं यदि इस समय डायस पे हूं, हां जी, तो मेरा कर्तव्य अध्ययन और अध्यापन बना ना। अपने मन में झांक कर ये देखना चाहिए कि मैं क्या बना बैठा हूं। जो बना बैठा हूं उस कर्तव्य का पालन करना चाहिए। होता यह है कि इसमें गैप हो जाता है। मैं पूजा भी करना चाहता हूं, मतलब मुझे याद है कि गुरुजी से एक बार प्रश्न किसी ने पूछा था कि पूजा से निवृत्ति आती है, ध्यान से सुनिएगा, कि गृहस्थ धर्म के आश्रम के पालन से निवृत्ति आती है। क्या पूछा है? पूजा या जब से निवृत्ति आती है कि गृहस्थ आश्रम के धर्म के पालन से? ये दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। जब मैं गृहस्थ हूं तो गृहस्थ का पालन करना ही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। यदि मैं पिता हूं तो मेरे पुत्र की सेवा करना, पुत्र की देखभाल करने से बड़ा मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। और वही कर्तव्य आपको कहां ले जाता है? निवृत्ति तक। तो मैं क्या बन के बैठा हूं पता किया जाए, उसके अनुसार कर्तव्य का पालन किया जाए। कर्तव्य का पालन होगा तो कर्तव्य थोड़े दिन में क्या हो गया? छूट गया। प्राप्तव्य छूटा तो कर्तव्य भी छूटा, तो जीवन में क्या आ गई? निवृत्ति। ये देखो गुरु महाराज ये कैसे हैं, विप्रेक वैदिक शिव पूजा करई सदा तेहि काजुन दूजा। दूसरा कार्य ही नहीं है, क्योंकि प्राप्तव्य ही कोई पकड़ में है। यदि कुछ प्राप्तव्य है तो कोई और कार्य भी है। यहां प्राप्तव्य नहीं है तो कोई कार्य भी। और बोले उनके लक्षण क्या है? परम साधु परमारथ बिंदक संभूपासक नहीं हरि निंदक। बोले स्वभाव कैसा है? बोले परम साधु। परम साधु मतलब साधु का सबसे अच्छा लक्षण है जिसका चित्त बहुत कोमल है। जिसका चित्त बड़ा कोमल है वो समझ लो आप क्या है? साधु। फिर मैं एक संत से कहीं और बातचीत हुई, मैंने उससे पूछा संत का लक्षण क्या है, मुझे वो मत बताना जो किताब में लिखा है। उन्होंने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, बोले जिसको देखने पर ईश्वर की याद आ जाए समझ लो ये कौन है? संत है। परम साधु स्वभाव है ये, मतलब गुरु का भाव सौंदर्य, बौद्धिक सौंदर्य, ये सब का सब आप देखना। शंभु उपासक, स्वभाव कैसा है? परम साधु। लेकिन तो साधु का दूसरा भी अर्थ है, जिसने अपने पापों को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया, भ्रष्ट कर दिया, वो व्यक्ति भी क्या कहलाएगा? साधु। अच्छा जी, इसके साथ एक और है, परम साधु परमारथ बिंदक। सिर्फ उपासना ही नहीं है, देखो क्या संयोग है, उपासना के साथ साथ परमार्थ को जानने वाले भी हैं। मीन्स
वो छांदोग्य उपनिषद को भी जानते हैं और वो शिव की पूजा भी करते हैं। हम देखो दोनों मिश्रण देखना, ऐसा नहीं है कि परमार्थ का ज्ञान हो गया तो उपासना को क्या कर दिया, छोड़ दिया, नहीं जी। बोले वैदिक हैं, साधु हैं, लेकिन उसके साथ साथ परमार्थ को जानने वाले भी हैं। आगे कल बात करते हैं। आरती आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि कवि ज्ञान विशारद सुकसन कादि शेष वरु सार बरनि पवन सुत कीरति नीकी। आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण वष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यासवादि कवि वर्ज बखानी काग भूषुंडी गरुड़ के ही की। रति श्री रामायण जी के कलिमल हरणि विषय रस सुभग सिंगार मूति जुबती की दलन रोग बव मूरियमी की तात मात सब विदि तुलसी की। तात मात सब विदि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की रामायण जी की रामायण जी की। सियावर रामचंद्र भगवान पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की। उमापति महादेव की। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम।